क्या कहना चाहेंगे, जो कोविड का ये जो माहौल चल रहा है और लॉकडाउन लगा हुआ है, ऐसे में जो गरीबों की मदद आप कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? ये जो लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है, रेवाफोप जब से लेके आज तक राशन बांट रहा है और अभी तक थमा नहीं है, अभी तक चालू ही है। पहले बहुत ज़्यादा फैमिलीज को दे रहे थे, लेकिन अब लिमिटेड फैमिलीज हो गए। फिर भी जो बहुत ज़रूरतमंद है उनके लिए चालू ही है, हमारे यहाँ से जितना हो सके रेवाफोप हेल्प कर ही रहा है हर महीने। अभी किस तरह से आप लोगों ने हेल्प की, आप लोगों ने जो किट दिया है उसमें क्या क्या सामग्री ऐड किया हुआ था? जो अभी जो पहले के किट्स थे उसमें, पहले के किट्स में 10 kgs राइस, 10 kgs आटा, ऑयल 2 लीटर ऑयल और शक्कर, दाल, चाय पत्ती वगैरह सब रहता था। अभी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंडिंग थोड़ा किट कम कर दिया हम लोग ने, 5 kg राइस, 5 kg आटा, ऑयल, शक्कर, दाल, साबुन नहाने का, धोने का, उस चीज़ के अंदर एडेड है जो उनको लगता है हर महीने का। जैसे कि आपने कहा आपने पहले से करते आ रहे हो, तो आपने कितने लोगों को बांट चुके हो राशन? अभी तक तो लॉकडाउन से लेकर अभी तक एटलीस्ट 22,800 फैमिलीज को हम लोग बांट चुके हैं। तो कैसे उनको संपर्क करें, कैसे मुझे समय जरूरतमंद, तो कैसे आप उनको कांटेक्ट करते हो क्या? एक्चुअली हमारा एनजीओ अभी 12-13 साल से हमारा रजिस्टर्ड एनजीओ है और 20 साल से हम सोशल सर्विस में हैं। हमारे हर एरिया में सोशल सर्विस वर्कर्स लोग है, तो उनके थ्रू हमें डेटा मिलते कि भाई इनका प्रॉब्लम है, ये ज़रूरतमंद है। जो जेन्युइनली ज़रूरतमंद इंसान है उनको ही हम दे रहे हैं। ये जैसे लेब, यस, आफ्टर वेरीफाइंग, जो रियली मतलब जरूरतमंद है। सोशल सर्विस वर्कर हमको आके बोलते, फिर हमारा टीम जाके बैक चेक करते हैं। लेबरर के वाइफ्स हो गए, जिन जिनको जॉब्स नहीं है, अभी बहुत सारी मतलब जरूरतमंद है। मैन्युफैक्चर जो गारमेंट कंपनी में काम कर रहे हैं उनके भी बहुत हालत खराब है। जो जो जिनके जिनके हालत खराब है सबको हमारी तरफ से हेल्प जाते हैं। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, रे ऑफ होप जो इनिशिएटिव लिया हुआ है इसके लिए क्या कहना चाहेंगे और आगे किस तरह से फ्यूचर में क्या कुछ I'm Edward's neighbor, and Edward had told me to contact many people, and I know many people because I'm always in the church. So I gave him the contacts, and I genuinely know these people. They are very poor. They really needed. Now they came 1 घंटा पहले और पहले से बैठे हैं राशन के लिए. तो ये लोग जो मैं कांटेक्ट कर रही हूँ बिकॉज ऑफ एडवर्ड, ये बहुत पुअर है और ये लोग एवरी टाइम मेरे को फोन पे एडवर्ड को थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो, रे ऑफ होप को थैंक्स बोलो। अभी भी देवर वेटिंग टू से समथिंग, बट आज उनको कुछ बोलना नहीं था। सो आई एम वेरी ग्लैड दैट एडवर्ड इज डूइंग ऑल दीस थिंग्स एंड आई एम अ पार्ट ऑफ इट। आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। अच्छा, जो जिम्मेदारी आपको दी गई थी कि लोगों को ढूंढना है, तो कितना मुश्किल टास्क रहा होगा ये? नो, इट इज नॉट मुश्किल फॉर मी बिकॉज आई हैव ऑल दिस ऑन माई व्हाट्सएप and I love doing all this. I have been going to many ashrams, I have been doing all this, but never distributed ration like this. I have been distributing money but never ration. So it's a great opportunity for me given by Ray of Hope to do all these things. I don't mind calling up, main mind hi nahi karti hu kisi ko phone karke bulane ka. I feel it is a God's wish that I am doing such work. I feel so happy to do it. Sir, aap kya kehna chahenge? Yeah, ji, आप क्या कहना चाहेंगे, जो इनिशिएटिव लिया गया है रे ऑफ होप की ओर से? इनसे मेरा पुराना ताल्लुकात है और मैंने इनको काफ़ी टाइम से देखा है पब्लिक की सेवा करते हुए, और रे ऑफ होप की माध्यम से इतने जन को राशन बांटा इन्होंने। मैंने खुद ने लास्ट ईयर इनको देखा है कि दिन रात ये बाहर ही रहते थे, इन्होंने अपनी फिक्र कभी नहीं की, सिर्फ राशन बांट रहे। और मैं खुद NCP से हूँ, डिस्ट्रिक्ट GS हूँ, और ये तालुका GS है, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं इनको बोलता था कि हम कुछ करते हैं, बट इनके पास और टाइम नहीं मिलता था कि ये हमसे मिल के साथ में काम कर सके, ये इतने बिजी रहते थे। और मैं चाहता हूँ कि ये और आगे बढ़े और अच्छे और काम करे, और ऊपर वाला करे, इनकी सेहत अच्छी रहे और कभी इनको तकलीफ ना हो। नहीं, हमारे इधर कभी किसी ने जात धर्म देखे ही नहीं है। हम खाली जो नीडी है, जिसको हकीकत में ज़रूरत है, उनको हम भले कोई भी कास्ट का हो हमने हेल्प किए, भले मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी कास्ट हो, हम लोग ने सबको हेल्प किए। स्लम्स में जा जा के हेल्प किए, हर जगह पे जा जा के हेल्प किए, जहाँ जहाँ ज़रूरत है हेल्प किए। लोगों से क्या अपील करना चाहोगे? मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा भाई, ईच वन रीच वन। अगर एक इंसान का मदद करेगा तो कोई भूखा नहीं सोएगा। तो ये इनिशिएटिव अगर हर एक इंसान अपने दिल में लेगा तो आई डोंट थिंक सो कोई
कोई गरीब रहेगा या किसी को इतना हालत खराब होगा किसी का। आपको जानना चाहिए लास्ट में ऑडियंस को पब्लिक को कि सेफ्टी एंड ऑल दिस मास्क पहनिए वेयर कीजिए इस तरह से सेफ्टी गाइड्स सेफ्टी जो दिशा निर्देश। आई वुड लाइक टू या दिस इज द कोविड टाइम सो इट्स ओके यू आर कमिंग टू टेक द रेशन बट प्लीज वेयर योर मास्क एंड सैनिटाइज योर हैंड एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अब जैसा पैंडेमिक चालू है हर एक से विनती है कि भाई अपना मास्क पहने रहे और जहाँ जहाँ जाए सैनिटाइज वगैरह आने के बाद घर पे सैनिटाइज करें और अपना ख्याल रखें। बी सेफ कीप सेफ। मैं जनता से यही गुजारिश करता हूँ जितने जन आते हैं वो अपना सेफ्टी रखे मास्क पहने सैनिटाइज करे अपना भी ध्यान रखे और अपने वजह से किसी और को तकलीफ ना हो वो भी ध्यान रखे।